हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सीबीएसई एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने वाले नोटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट के मन में आशंका है कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में पुष्टि कीजिए। और तो दोस्तों, तो आज का हमारा जो वीडियो है इसी विषय से है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हम आपको देते हैं इम्पॉर्टेंट नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी नोट्स, पीडीएफ फाइल, कुछ भी आपको लगेगा तो आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पर दे दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, देर ना करते हुए। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं आपको जो नोटिस जारी हुई है उसको। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, कोरोना वायरस सीबीएसई की सभी परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित। जी हाँ दोस्तों, सभी परीक्षाएं, यहाँ पे आपको सिर्फ 10th और 12th की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है आपकी बाकी के भी एग्जाम्स की, 5th हो, 8th हो, 7th हो, वाट एवर, जो भी हो, सब आपका एग्जाम जो है कैंसिल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोरोना वायरस के कहर के चलते सीबीएसई ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित कर दी। इसके साथ ही सीबीएसई ने मूल्यांकन कार्य को भी 31 मार्च तक रोक दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि सीबीएसई और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों की परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित कर दी जाए। बरेली समन्वयक वीके मिश्रा ने बताया कि 19 मार्च से 31 मार्च के बीच में होने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अब इन परीक्षाओं की तारीख 31 मार्च के बाद घोषित की जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा नोटिस, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पर। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ऑल ऑनगोइंग एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग दैट ऑफ सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बी रीशेड्यूल आफ्टर 31 मार्च, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये रहे नोटिस आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, 18 मार्च को जो है अपडेट की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस जो है डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई के एक स्टूडेंट ने मुझसे अभी हाल ही में जो है मैसेज किया था, सर प्लीज़ रिप्लाई दीजिए इस विषय पर। तो मैंने उसको लिए रिप्लाई तो फिलहाल दे भी दिया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी के भी स्टूडेंट्स जो ये नहीं जानते हैं कि सीबीएसई भी, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को लगा कि सीबीएसई का एग्जाम लगातार चलता रहेगा, उनमें कोई भी रोक पान नहीं होगी। जी नहीं दोस्तों, सीबीएसई का एग्जाम सभी कैंसिल हो चुके हैं, इवन चाहे वो 10th हो, 12th हो, चाहे 8th हो, 7th हो, 6th हो, जी हाँ, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। ऑलमोस्ट नहीं दोस्तों, यहाँ पे 100% की पुष्टि हो चुकी है। तो आपको जो है निश्चित चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 31 मार्च के बाद आपको जो है रीशेड्यूल किया जाएगा, नया डेट आएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये अपडेट पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।